नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक शेल है, एक कंडक्टिंग शेल है जो अंदर से खाली है और इसके ऊपर चार्ज है, कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। तो आपको इस शेल के बाहर ई निकालना है और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज डेंसिटी क्या यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है मान लो क्यू, और टोटल सरफेस एरिया कितना है 4π R2, तो क्या बनेगा क्यू डिवाइडेड बाई 4π R2, ठीक है यहां तक। तो ये वैल्यू है। तो अब मुझे ई कहाँ निकालना है, इस शेल के सेंटर से या सरफेस से बाहर, फिर दूसरा केस करेंगे सरफेस के ऊपर, तीसरा केस करेंगे सरफेस के अंदर, तीन जगह निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें केस नंबर वन करते हैं, पहले सरफेस के बाहर की बात करते हैं। तो आपके पास ये एक स्फेयर है या एक शेल है जहां पर चार्ज क्यू है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये एक्चुअल स्फेयर या शेल गिवन है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, रेडियस इसका कैपिटल आर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर हवा में कहीं पर, देखो यहां पर कुछ है तो है नहीं, ई निकालना है। गॉस ने क्या कहा था, जहां ई निकालना है वहां मेरे नाम की स्मॉल गॉसियन सरफेस ले लो। तो ठीक है, मैंने गॉसियन सरफेस ले ली डीएस। तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, 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 और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, अंदर भी है बाहर भी है। तो अगर आप इन्हें इमेजिनरी सरफेस को मिलाएंगे गॉसियन सरफेस को, तो इमेजिनरी क्या बनेगा स्फेयर बनेगा, स्फेयर ही बन जाएगा। तो ये क्या है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस क्या होती है, जहां पर हमने ई निकालना है, तो ऑब्वियसली हमने ई कहां निकालना है, यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है, जहां मर्जी निकाल दो। तो ये जो एरिया वेक्टर है वो कहां होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। जहां ई निकालना है प्लस वन रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां आएगा राइट। तो ई और डीएस में एंगल क्या है जीरो। आप जहां मर्जी ले लो, आप यहां ले लो, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा डीएस वेक्टर, प्लस वन रखो प्लस प्लस को राइट जो है राइट की तरफ, तो क्या आएगा ई वेक्टर। जहां मर्जी कैलकुलेट कर लो आपके पास ई डॉट डीएस में एंगल जीरो आएगा। क्लियर है यहां तक। अब मुझे ई निकालना है, मेरी गॉसियन सरफेस बन गई इसमें। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जान के दो पेन यूज किए हैं, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू का मतलब एक्चुअल शेल है जिसके ऊपर ये चार्ज है, रेड का मतलब हवा में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अपने बुकलेट में चाहे वो रंग भर लो लाल कलर का कि एक्चुअल में ये शेल नहीं है, ये तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो कलर पेन से भर लेना इसे, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस में ई और डीएस में एंगल क्या बनेगा जीरो, ठीक है यहां तक। तो स्मॉल फ्लक्स क्या होगा इस गॉसियन सरफेस का, ई डी एस कॉस जीरो फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स क्या होगा दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन। तो पूरे रेड स्फेयर की इंपॉर्टेंट है, हम फ्लक्स किसका निकालते हैं इमेजिनरी गॉसियन सरफेस का। तो सरफेस का फ्लक्स निकालते हैं तो एरिया भी किसका लेंगे गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना है 4π r², बड़ा स्क्वायर नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस रेड कलर की है, हमने फ्लक्स रेड कलर की सरफेस का निकालना है, एक्चुअल स्फेयर का नहीं निकालना। तो गॉसियन सरफेस में रेडियस छोटा आर, तो इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। अब गॉस कहता है ये करने की जरूरत क्या है, मेरे से पूछ लो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन क्यों करे जा रहे हो, तो कैसे क्यों बताओ मेरी गॉसियन सरफेस कहां है, गॉस कहता है। तो गॉसियन सरफेस तो रेड कलर की, मैंने कहा ये रही, इसके अंदर कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो उसके इस रेड कलर के अंदर कितना चार्ज है मुझे तो यही दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है, बस ये चार्ज है। तो जो भी ये चार्ज है इसके इनसाइड अंदर उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अब क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा चार्ज। तो सिग्मा को कितने एरिया से मल्टीप्लाई करूं जितना चार्ज निकालना है, मुझे चार्ज किस एरिया का निकालना है ब्लू कलर वाले का, क्योंकि चार्ज एक्चुअल में रेड कलर पे है ही नहीं, चार्ज किस सरफेस पे है ब्लू पे है। तो ब्लू कलर का एरिया कितना है सरफेस एरिया 4π R, छोटा आर नहीं बड़ा R², क्या है पॉइंट क्लियर है। तो सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना है 4π R
आर स्क्वायर, तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, फ्लक्स आ गया। इंपॉर्टेंट है छोटा आर कब यूज करना है गॉसियन सरफेस में, फ्लक्स निकालने में। चार्ज किसमें यूज करना है, जो अंदर है गॉसियन सरफेस के, जो ब्लू कलर की सरफेस है, तो बड़ा आर। तो दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके आंसर आएगा। तो अभी फॉर्मूला नोट करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर बाय छोटा आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू आ गई किसी भी शेल के स्मॉल आर दूरी पे, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक ई की वैल्यू आ गई, ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर मुझे सरफेस के ऊपर ई निकालना है तो क्या करूंगा, छोटे आर और कैपिटल आर को बराबर कर दूं, क्योंकि छोटा और बड़ा बराबर हो गया तो कैंसल होके आंसर आ गया। तो सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्लियर है यहां तक। तीसरा केस, अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर का मतलब कि आपको ई कहां निकालना है, इस शेल के अंदर निकालना है। अब गॉस क्या कहता है, जहां ई निकालना है वहां मेरी नाम की गॉसियन सरफेस। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस अंदर बनेगी स्फेयर, बाहर नहीं बनेगी, इस बार अंदर बनेगी स्मॉल आर स्फेयर, क्योंकि पहले हम बाहर निकाल रहे थे तो बाहर बनी है, अंदर निकाल रहे हैं तो अंदर बनेगी। तो एरिया वेक्टर फिर से बाहर, ई वेक्टर फिर से बाहर, तो गॉसियन सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, ई डी एस कॉस जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, लेकिन गॉस थ्योरम कहती है कि ये बताओ मेरी गॉसियन सरफेस कहाँ है, तो रेड कलर की है। इसके अंदर कितना चार्ज है बोलो, है ही नहीं, क्यों, चार्ज तो इस सरफेस के बाहर है, सरफेस के बाहर है। रेड कलर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसने कहा ठीक है मेरा फ्लक्स जीरो, अंदर चार्ज नहीं बचाना, चाहे चार्ज जहां मर्जी हो, बाहर हो, अगर बाहर चार्ज है फ्लक्स काउंट नहीं करेगा। तो अगर चार्ज अंदर है तो जीरो, तो फ्लक्स क्या आया, जीरो। हमारा क्या आया था, ये आया था, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो किसी भी शेल, चार्ज्ड शेल के अंदर ई कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेविटेशन अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर हमने एक थ्योरम की थी जिसका नाम है शेल थ्योरम। शेल थ्योरम में भी किसी भी शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ये पहला पॉइंट था शेल थ्योरम का। मैंने बोला भी था हम प्रूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस के थ्रू, ये है वो प्रूफ। ठीक है यहां तक, तो ये रिजल्ट याद रहेगा। तो इस रिजल्ट को मैंने यहां इकट्ठा लिख दिया। तो इस रिजल्ट को फॉर्मूला रजिस्टर में लिखने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लो, अगर ये शेल है स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई का ये फॉर्मूला हमने निकाला था, एक तो ये याद करना है। मुझे पता है सिग्मा क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, एरिया में कितना, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जब मैंने ये पुट किया, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आंसर वही आ गया जो हमें याद था, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई का फॉर्मूला यहां पर वैलिड है। अगर सरफेस की बात करते हो तो सिग्मा की जगह टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया स्फेयर के ऊपर, सेम आंसर आ गया, क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड का चक्कर ही नहीं है, इनसाइड तो वैसे ही जीरो है। अब आपने कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जिन क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है उनमें तो ये यूज कर लेंगे, जिसमें क्यू गिवन है उनमें ये यूज कर लेंगे, फॉर्मूले दोनों वैलिड है। तो इसको फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करो, इनसाइड में क्या फॉर्मूला है, सरफेस के ऊपर क्या फॉर्मूला है, और जो है आउटसाइड क्या फॉर्मूला है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एनसीईआरटी में और कॉम्पिटिशन दोनों में आता है, बहुत आता है ये, कि किसी भी शेल के इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, ई क्या होता है जीरो, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ई की वैल्यू यहां पर क्या है जीरो, तो ग्राफ नहीं बनेगा ई का। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर ई हमेशा मैक्सिमम होता है, और जब जितनी दूर जाओगे स्फीयर के बाहर निकलते जाओगे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो पैराबोला ऐसा बनता है। तो एक ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, वैसे ग्रेविटेशन के अंदर भी ऐसे ग्राफ बनते थे, तो इसके अंदर भी सेम ग्राफ है, तो पहले बनता नहीं है अंदर और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब किसी भी कंडक्टिंग शेल के अंदर ई क्या रहेगा जीरो, चार्ज जितना मर्जी हो कोई फर्क नहीं। इस चीज को एक लाइन में ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास एक कंडक्टिंग शेल है, ये आपने इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया, चार्ज ड्रॉ किया, लाइंस बाहर जाएंगी इनफाइनाइट ऐसे, पॉजिटिव से लाइंस ऐसे जाएंगी, अंदर तो आएंगी नहीं, तो ई की वैल्यू क्या रहेगी इसमें जीरो। थ्योरी से प्रूव हो गया, हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। ठीक, कोई कहता है नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस यहां तक आके रुक जाएंगी, अंदर नहीं आएंगी, तो ई क्या रहेगा जीरो। ठीक है यहां तक? अब इसके अंदर इसमें इस प्रोसेस को जिसमें चार्ज तो है कंडक्टिंग एक क्लोज शेल में सरफेस के ऊपर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज है लेकिन उसके अंदर ई एग्जिस्ट जीरो करता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग क्यों? अगर आपने किसी भी चीज को या खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना हो, आप एक बंद कंडक्टर के अंदर जाके छुप जाओ, चार्ज बॉडी के ऊपर रहेगा, अंदर ई जीरो रहेगा, कुछ नहीं होने वाला आपको, जितना मर्जी चार्ज ऊपर आ जाए शॉक नहीं लगेगा आपको, आप अंदर सेफ है। ठीक, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बिजली कड़क रही है, अगर हल्की बिजली कड़क रही है, देखो बहुत ज्यादा होगी तो कह नहीं सकते, अगर हल्की है वो चार्जेस हैं, लाइटनिंग चार्जेस हैं। मान लो आपको पता लग गया कि थोड़ी बहुत बिजली आपके ऊपर गिरने वाली है, इमेजिन कर लो, और आप क्या करोगे बचने के लिए, आप एक बंद कंडक्टर के अंदर जाके छुप जाओ, बिजली गिरेगी, चार्जेस सरफेस पे रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसी जगह पे बिजली कड़क रही है, तो आप कार को बंद कर लें अच्छे से, तो भी कंडक्टर की तरह काम करेगी, तो वहां पर भी चांसेस कम है कि थोड़ा आप सेफ रहेंगे। ठीक, लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो मोबाइल फोन के सिग्नल बंद हो जाते हैं, कि ये जो है वो मेटल का बना हुआ, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं आती, कैसे आएंगी? रेडियो सिग्नल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया जीरो, मैग्नेटिक भी क्या हो जाता है जीरो, सब जीरो हो जाता है, तो फोन कहाँ आएगा? हल्की फुल्की लाइन बीच में खुली हो तो सिग्नल फिर भी आ जाता है, अगर टाइटली बंद हो बिल्कुल सिग्नल नहीं आएगा मेटल के केज के अंदर, बात खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें जीरो।